हाय, मैं हूँ सलमान यूसुफ खान एंड यू आर वॉचिंग मूवी टेली। जी, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द कलर ब्लैक। ब्लैक मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स है एंड मुझे लगता है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाटएवर यू वेयर एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर टुडे इन। मैंने पंकज सोनी डिज़ाइन पहना हुआ है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी गुड डिज़ाइनर, मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल विद हिज फैब्रिक, चॉइस ऑफ फैब्रिक। एंड जैसे कि आपको पता है कि आई एम अ मैन ऑफ मूवमेंट, मुझे मूवमेंट बहुत पसंद है, तो मुझे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहना अपने कपड़ों में पसंद नहीं है। ही कीप्स दैट इन माइंड। इन्हीं फॉर्मल क्लोथ्स में भी अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ब्रेक इन टू अ डांस रूटीन और ये कपड़े फटेंगे नहीं, सो ही मेक्स मी वेरी कंफर्टेबल। जी, वेल आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स के उन्होंने एक ऐसा, कंग्रेचुलेशंस टू गोल्डन फ्रेम अवार्ड्स फॉर देयर अचीवमेंट। और आज जितने भी लोग यहाँ पे आए, जितने भी विनर्स रहे, उन सबको मेरा कंग्रेचुलेशंस। और मैं सच बताऊँ, तहे दिल से तो मैं आया हूँ यहाँ पे सोनू सर के लिए, बिकॉज उनकी तरफ से अगर फरमान और बुलाया आया तो यू हैव टू कम, बिकॉज दैट्स अ मैन विद अ हार्ट। एक आदमी ने जिसने हमारे पूरे देश को दिखा दिया कि वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस। 130 करोड़ की जनता, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतने पावरफुल लोग, एक आदमी कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं और आप भी, वी कैन मेक दिस डिफरेंस, ये सोनू सर ने प्रूव कर दिया। टू मीट हिम, टू टेक दिस अवार्ड फ्रॉम हिम, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी यस, डांस के ऊपर ज़रूर एक बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली है जिसमें मैं दिखूंगा। एंड डांस प्लस के डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, बट इंशाल्लाह लेट्स सी। अदर देन दैट, डांस तो जिंदगी का एक हिस्सा है, तो ये तो चलता ही रहेगा। बट देयर लॉट ऑफ अदर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स एज एन एक्टर दैट आई एम डूइंग, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू। मैं ये अवार्ड अपने डैड को डेडिकेट करना चाहूँगा, कि मुझे लगता है कि हमारे में जो सेंस ऑफ फैशन आया है वो हमारे डैड से आया है। सो डैड, आई लव यू। जी, ओह, ही इज़ अ वेरी स्टाइलिश स्टार, ऑफकोर्स। छोटा छोटा बच्चा आज की डेट में आप देखते हो तो ये करता फिरता है, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ स्टाइल स्टार। और आई थिंक साउथ इंडियन एक्टर्स आर वेरी फेमस फॉर द स्टाइल क्वेश्चन, ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम रजनी सर। सो आई थिंक दे डेफिनेटली द स्टाइल अवार्ड शुड गो टू ऑल ऑफ देम। जी यार, बिग बॉस तो नहीं, मैं बिग बॉस डायरेक्ट करता आया हूँ। मैं बिग बॉस के फिनाले और ओपनिंग एक्ट सारे में 1-3-4 साल डायरेक्ट किया। आई लव टू डायरेक्ट बिग बॉस, नॉट टू बी इन इट, बट अदर देन दैट, खतरों के खिलाड़ी आई ऑलवेज लव टू डू, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज। वो जब भी मुझे बुलाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं 60-70 साल का भी हो जाऊँ, इफ दे कॉल मी ऑन द शो, आई विल गो फॉर इट, आई लव दैट शो। बिग बॉस, मैंने जैसे बताया, आई डोंट रियली फॉलो बिग बॉस, बट ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स। आई थिंक एवरीबडी हु विन्स अ शो वेल डिजर्व्स इट, क्योंकि एक जर्नी रहती है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑडियंस चूजेस यू, नथिंग बिगर देन द ऑडियंस। यार, मैं खुद उसका एक प्रोडिजी हूँ, मैं खुद यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ऑडियंस का आज से कितना प्यार मिलता है। सो ऑल द बेस्ट एमसी स्टैन, किलिंग इट। या फैंस के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो, एकजुट रहो, और लेट्स मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस। लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स, लेट्स गो फॉरवर्ड।